द ब्रोमैन इज बैक। द ब्रोमैन मिथपैड भाई ने मेरे को चैलेंज दिया है प्लेइंग GTA 5 फॉर 7 डेज। भाई हालत खराब हो जाएगी मेरी अब। बाकी देखो तो दोस्तों तो भाई आजकल अल्ट्रा प्रो मैक्स विद लोन के साथ तो भाई यहाँ पे फुल ऑन फुल गरीबी है, ना ही कुछ खाने के लिए है और ना ही कुछ पहनने के लिए है। बट आज मैं साथ इतने खतरनाक चैलेंजेस करने वाला हूँ जो आज तक मैंने करे ही नहीं। क्या मतलब हुए भी नहीं। हाँ तो इसमें सबसे पहले हमारा टास्क है भाई इस गरीबी से निकलना, कुछ खाने के लिए मिल जाए, कुछ पीने के लिए मिल जाए और भाई साहब इस लॉस सैंटोस में बचने के लिए ना ही मेरे पास वेपन है। अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 8:30। ओ ओ भाई बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। दो दो बाइकर यहाँ पे ठुक चुके, रुक जा रहे भाई। ओके गाइस एक और बाइकर आ रहा है भाई, मेरे को बाइक चाहिए यार। दे दे बाइक बेटे, आज तो हाथ चढ़ गया तेरी भैंस की आंख। लेगा वापस ले ले बाइक, ले 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 बाइक वापस। तो अभी भाई मेरे को कुछ ना कुछ लूटना पड़ेगा कोई स्टोर जहाँ से मेरे को खाने होने का मिल सके। तो भाई यार मैंने मार्क लगाया अभी एक लोकेशन पे, वहाँ पे देखता हूँ भाई दुकान है भी नहीं, मेरे को लोकेशन ही नहीं पता। ओ भाई क्या ओ, बच गया। मेरे को नहीं लग रहा भाई आज की डेट में मेरे को यहाँ पे दुकान मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे बर्गर सेट तो आएगा जहाँ से मैं बर्गर खा सकता हूँ, बट मेरे पास पैसे तो होने चाहिए भाई। लेकिन फिलहाल मैं आ चुका हूँ भाई ATM पर, क्योंकि मेरे को पता है भाई कैसे चुराने ATM। ओए निकलो यहाँ से, तुम्हारी भैंस क्या, निकल यहाँ से, निकल, चल तू निकल। ओके तो अभी मेरे को इसको करना है हैक, तो जल्दी से कर लेता हूँ भाई। ओके गाइस यार तो ATM यहाँ से हैक हो चुका है और मेरे को यहाँ पे मिल चुका है पैसे, बट भैंस क्या पुलिस को कैसे पता चल गया। ओके तो गाइस यहाँ से हमने चुरा लिए $27,000, तो जल्दी से निकलते हैं भाई यहाँ से। हाँ तो गाइस यार अभी खाना तो खा के आ चुका हूँ और भाई एक बजने वाला है अभी यहाँ पर, और खाली अभी खाना खाया, लेकिन भाई कैसी हालत में घूमना ये तो देख लो। तो भाई मेरे को अब कपड़े भी लेने हैं, कम से कम कुछ दिख तो जाऊं भाई। इसमें तो कपड़ों की दुकान भी नहीं दिख रही मेरे को। चलो भाई इधर देखते हैं, मेरे को थोड़ा बहुत तो अंदाजा है कहाँ पर हो सकती है। भाई नहीं है यार यहाँ पर भी। 16 कुत्ते सामने आ गया, अभी गन होती ना उड़ा देता भाई यहाँ पर कसम से। भाई यार लगभग 3 बजने वाले हैं, भैंस क्या मेरे को यहाँ पे एक भी कपड़े की दुकान नहीं मिली। तो चलो यार इसको छोड़ते हैं, अब एक वेपन ही खरीदते हैं जिससे बंदों को मैं मारूंगा अपनी, कम से कम जान तो बचा पाऊंगा। अब मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो जाएगा अगर वेपन की भी शॉप नहीं दिखाई तो। यार दुकानें दिखा दो ना इस मैप में। खे गाइस यार तो अभी हो रहे हैं भाई रात के 1 बजने वाले हैं। तो भाई अभी मेरा एक दोस्त मेरे को, ये देखो भाई इतने सारे, अरे कितने सारे भाई, घर में मैं आपको वेपन नहीं दिखा सकता, बहुत सारे वेपन देगा है। बट अभी भाई रात हो चुकी है तो सो जाते हैं। पहला दिन हमारा कंप्लीट हो चुका है भाई, खाने ना खाने में, थोड़ा बहुत पैसा लेने में, बंदूक लेने में। एंड मेरा जो सेकंड चैलेंज था वो है भाई एक बाइक को चुराना। गैराज में भाई मेरा कुछ भी नहीं है। एंड अभी हो रहे हैं भाई सुबह के 7 बज रहे हैं। एंड ये भाई पुरानी वाली बाइक जो कि मैंने चुराई थी, बट मेरे को अब चाहिए एक सुपर बाइक। तो भाई यहाँ पर एक बंदा बहुत तगड़ा भाई बिलीनर, उसके घर पे है कि भाई बहुत खतरनाक बाइक्स, तो वहां से चुराते हैं जाके। ओके गाइस यार तो इसका घर था भाई पहाड़ों साइड। तो अभी दूसरा दिन के भी भाई 11 बजने वाले हैं, बट भाई ये चीज अच्छी है कि हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और भाई यही वाला घर है, ये देखो भाई कितनी सिक्योरिटी। एंड सामने वो भाई हरे कलर की बाइक हैगी। गाइस सामने वाला को उड़ाते हैं, अल्ट्रा सरप्राइज पिस्टल है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। एक उड़ चुका है, दूसरा भी उड़ चुका भाई, जल्दी से चलते हैं अभी इसके अंदर। ये उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया, ये दोनों भी गए भाई। बट पता नहीं मेरे को क्यों नहीं मार रहे थे, लेकिन उनको छोड़ो भाई साहब। बट ये है बाइक से, बट बैस क्या क्या करेगा तू उड़ भाई। ओ लेकिन एक बार ये देखो, 1, 2, 3 भाई बाइक से यहाँ पर, सुपर बाइक तो मेरे को चाहिए भाई, ये बीच वाली, इसको चुरा के निकलता हूँ जल्दी से। आ भाई क्या गेट था भाई वो, यहाँ से अपन निकलते हैं जल्दी से। एंड गाइस यार इसका नाम पाम भी चेंज कराते हैं, और ट्रैकर उराकर होंगे भाई वो भी चेंज कराते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली यहाँ पर नहीं थी भाई। इधर साइड हो चुकी है जहाँ मैंने मैप पर भैंस के कितनी हल्के लगा, ठुक गया साला। ओ भाई इधर तो कहीं भी नहीं है यार, उसकी सोप गलत ही आ गया यार, मेरे को क्यों नहीं मिलनी यहाँ पे दुकानें कोई सी भी। चलो ना दिमाग खराब कर रखा है भाई, इतनी दिन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से निकलता हूँ घर पे, एंड वहाँ पे मिस्त्री को बुला लूंगा, उससे निकलवा दूंगा भाई इसका ट्रैकर, क्योंकि वो निकलवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके गाइस यार तो ये है मिस्त्री भाई, ड्रिल मशीन भी लेकर आया था क्या। तो भाई इसको मैं बुला के लेके आया था भाई, बहुत मुश्किल से मिला था ये मिस्त्री भी। ओके भाई तो इसने सारा का सारा काम खत्म कर दिया है, और भाई टाइम हो चुका है अभी 9 बज चुके हैं रात के। भैंस के तूने इतना टाइम लगा दिया, एंड तू पता नहीं बाहर जाके भी बता दिया फिर नहीं, इसलिए भाई तेरे को मरना पड़ेगा यहाँ पर। एंड हो चुकी है भाई एक और रात पूरी, यानी कि अपने हो चुके पूरे के पूरे 2 दिन कंप्लीट। हाँ यार इन गेम डे थे। तो भाई तीसरे दिन का चैलेंज मैं आपको बताता हूँ, जो कि था मेरा ड्रीम एक रेस को खेलना। यस गाइस लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी रेस है, इसको मैं जरूर से जरूर जीतूंगा, इसलिए भाई मैंने अपनी बाइक चुराई थी। तो भाई 9 बजने वाले, थोड़ी लेट हो रहा था हमारा बंदा, तो भाई अभी सीधा निकलते भाई रेस पे, पता नहीं कहाँ पर होती है लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी रेस। भाई रेस बहुत होती है यहाँ पर। ओके गाइस तो इतनी दूर लोकेशन ये, वहां पर जाके होती है रेस, पूरा मैप खोदना पड़ेगा वहां पर जाने के लिए। बट यार जल्दी से निकलते हैं अपन, और भी क्या कर सकते हैं। ओके गाइस यार तो अभी अपन रेस पे हो चुके जो कि यहाँ पर है, बट ये होगी भाई 2 बजे, एंड फिलहाल क्या टाइम हो रहा भाई 12:40 हो रहा है, क्योंकि आने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेते भाई, बिली उली भी लग जाएंगी नहीं मेरे से।
ओ भाई थोड़ी सी लग रही थी। ओ भाई क्या तगड़ी बिल्ली मारी। ओके गाइस यार तो अभी ढाई हो चुके क्योंकि थोड़ा बहुत प्रिपरेशन में भी टाइम लग जाता है, बट भाई आपका भाई आ चुका जल्दी से इस रेस में। और गाइस यार सबसे पहले मैंने इधर को करके रेस निकाल ली, बट भैंस क्या गलत साइड आ गया भाई, इसका बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा रोड पोर्ट का, बढ़ना ऐसे भाई बहुत ज्यादा पीछे हो गया, मैं हार सकता हूँ भाई। 11 नंबर की पोजिशन पर चल रहा हूँ यार, मेरे को पहले बता देते ना सालो तुम, मेरे को खाली मिली बाबला बनने मेरे को पता ही नहीं था, कुत्ते सामने मत हार जाऊंगा ऐसा है। ओ भाई एक ही लैप की रेस है भाई लॉस सैंटोस की यार, इतनी मुश्किल से मैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाया भाई, $30,000 सारे लग गए, लेकिन अभी मैं आ चुका हूँ भाई नंबर दो की पोजीशन में साले, तुझे भी ओवरटेक कर दूंगा, लेट्स गो ब्रो। अपन ने कर दिया भाई इसको भी ओवरटेक, जल्दी से निकलते हट जाओ भाई साहब, बच गया भाई वरना नीचे जाता है, इसको आराम से चलाना पड़ेगा। ओके 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 भाई किसी की भी बोनी लेनी है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ठुक जाऊँ कहीं पर भी, और इस रेस को यार जाऊँ यार क्यों इतना मतलब टर्न आते भाई, इतने आसानी से मुड़ ले पाती है मेरी बाइक ये। और अपन अभी फिलहाल 8 नंबर पोजीशन पे चलते हैं, कुत्ता साला इसी बात को मैं कह रहा हूँ, और सारे के सारे भाई घर आ गए, जल्दी 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 उठ जा, जल्दी उठ जा, आ गए आ गया आ गया वो आ गया आ गया, जल्दी उठा जल्दी उठा। ओ भाई दो तीन भाई घर आगे निकल गए, जल्दी से निकालो भाई यार, यहीं मेरा मूड खराब होता है बस और कहीं नहीं होता है ये 100 साल में, भाई सांस नहीं आ रही यार मेरे को के भाई, इसके कंट्रोल बहुत बेकार है, इससे बढ़िया भाई कसम से बताना जो पहले मैंने बाइक चलाई थी ना रोड पे से वो बढ़िया चल रही थी कसम से भाई। लेकिन भाई शायद रेस कंप्लीट होने वाली है, थोड़े से लैप और बचे हैं भाई, इधर बारिश पड़ गई हद है भाई। लेकिन भाई आपका भाई पहुंचने वाला जहाँ पे रेस फिनिश होनी थी, और गाइस फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ, एंड तुम्हारा भाई रेस जीत चुका है भाई साहब क्या ही बात है, और यहाँ से मेरे को मिले भाई $2,00,000 भाई मजा आ गया। ओके गाइस यार तो भाई अगला दिन हो चुका है, एक और एंड अभी हो रहा है भाई 9:30 क्योंकि भाई मैं इतना लेट इस वजह से उठाऊं, बट भाई अभी चलना है मेरे को एयरपोर्ट पर, बिकॉज मेरा भाई फोर्थ चैलेंज है एक एरोप्लेन को चलाना भाई, मेरे पास बाइक तो है बट मैंने आज तक भाई एक भी प्लेन नहीं चलाया, तो आज मैं उस प्लेन को चलाऊंगा, तो इसको भगा तो भाई पहुंचने वाला हूं एयरपोर्ट पर, बट भाई कैसे चढ़ा के ला रहा था मैं इसको, लेकिन भाई टाइम भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, इसको काव खेड के फेंका है तो भाई 12:30 हो रहे हैं, इसको रख लेते हैं भाई अंदर और चलते हैं भाई सामने। ए इस बाइक को अपन यही छोड़ दे क्योंकि ऐसा लगना नहीं चाहिए चोर हूं कोई और हूं, ऐसा लगना चाहिए कि मैं यहां पे काम करता हूं, लेकिन यहां पे मैं बैठा हूं भाई। और भाई चलते जल्दी से भाई के स्पीड में भाग रही है इतनी सी चीज, भाई 120 की स्पीड पे चली गई, ओए ओए कंट्रोल हो जा भाई, बट भाई यहां पे क्या हुआ ये ब्लास्ट हो गया भाई साहब, भाई इनको छोड़ो यार, दो लिमोजीन खड़ी और इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड भाई, बट अपन इधर से चलते क्योंकि सामने की साइड मैंने एक काला वाला प्लेन आते हुए देखा है भाई, उसको उठा लेता हूँ, तू तो गया बैठे। ओके इसमें पैसेंजर नहीं है भाई कोई भी, ये प्राइवेट जेट ही था भाई, जल्दी से इसको मुड़ाते हैं पीछे को, मैंने एयरपोर्ट पे लगा दिया उधर निशान भाई, मेरे को अभी लेके जाना है पीछे रन वे पर भाई, पहली बार प्लेन चला रहा हूँ अपनी जिंदगी में और इसको उड़ा के मतलब चुरा के लेके जाने वाला हूँ, पता नहीं भाई वहां पे लैंड कैसे करूंगा, आज तक मैंने लैंड नहीं कराया, बट अभी आ चुका भाई ये रनवे पर, रनवे से आउटसाइड भी जरा, बट फाइनली भाई आपके भाई ने इसको उड़ा दिया है आसमान में, और अभी टाइम हो चुका है यार 3:30 बज चुके हैं यहाँ पर, और अभी हमको पहुंचाना है भाई वहां पर ही, और ये जोरा भाई किस स्पीड से जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है क्या, एक सारी सीधा चल लो। ओ भाई कितना खतरनाक लग रहा है भाई प्लेन उड़ता हुआ, ये 200 की स्पीड से जा रहा है भाई, जल्दी पहुंच जाऊंगा इसका मतलब है भाई, बादलों के ऊपर आ गए इसके नीचे बादल, ओए व्यास के नीचे चलो इसको, मेरे को इतनी ऊपर नहीं चढ़ना भाई, स्पीड तो खतरनाक है। ओके गाइस ये नीचे जो है एयरपोर्ट ही है भाई, स्पीड ओए ओए ऐसे तो पलट जाएगा भाई, इसको नीचे ले और स्पीड कम कर बस इसकी, स्पीड कम कैसे होती है मेरे से मुड़ भी नहीं रहा, आज भाई मैं इसको उतार दूं ना तो वही बहुत है मेरे लिए। ओके 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 मैंने स्पीड कम कर ली है इसकी, सामने अगर रनवे इजी इजी है भाई, उतार दूंगा भाई, क्या लैंडिंग कराई है भाई, मजा आ गया, बट गेम क्रैश हो गया यार, ये कौन सी बला है भाई। हाँ तो गाइस डे 4 भी हो चुका है कंप्लीट, हमारा चौथा टास्क भी हो चुका है कंप्लीट, बट जग के 3 टास्क है ना भाई, इसमें रूक कब जाएगी क्या क्या कैसे होगा आपने सोचा भी नहीं होगा, बट भाई वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसके लिए आप देखना इसका पार्ट 2 जो कि भाई यहाँ पे आ रहा होगा, जाके देख लो और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।